मैं आपको अगर ये प्रश्न पूछू हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आप आ ऊंचा करें यहां बैठे हैं आप सबको मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं इफ येस देन रेज योर हैंड्स सबको चाहिए लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है मैनी टाइप्स ऑफ दे कम टूगेदर टू ब्रिंग सक्सेस इन लाइफ सक्सेस इज नॉट जस्ट अ गुड बिजनेस सक्सेस इज नॉट जस्ट अ फ्यू रिलेशनशिप्स वेल सेट सक्सेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ गुड हेल्थ एनजॉइड ये सब एक एक वर्टिकल्स हैं वो प्रोग्रेस हैं और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है तो इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ जब आप अस्सी नब्बे साल के हो आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस आई लिव माई लाइफ भगवान ने मुझे यह सत्तर अस्सी साल का जीवन दिया था पांच दस प्लस माइनस भगवान की कृपा से लेकिन वो मैं जिया आई लिवड इट इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के फाउंडेशन बना के कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणुक भी जीवन में चाहिए रिमेंबर सक्सेस नेवर कम्स ओवर नाइट इट इज वन स्टेप एट अ टाइम मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा वो कब छपता है वेन यू गो फ्रॉम द बेस एंड यू वॉक फ्रॉम द बॉटम तो सक्सेस इज नॉट एन ओवरनाइट स्टोरी इट इज नेवर वन डे स्टोरी तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है आप कहीं लोग को देखते होंगे कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है कोई सही विचारधारा तो रहती है कोई स्पष्ट प्रकार के वर्तन भी रहते हैं